ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في سوره البقره بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين حازرين جمع بردناشين خواتين ملت خدباي مسيوناكي بعد मैंने आपके सामने बकारा की इब्तायी आयतें और सोलह शोरा आल इमरान की आयतें पढ़ी हैं अल्लाह तबारा ने फरमाया बकारा की आयतों में बस्मिल्लर अली मीम किताब लफ़ी ये अल्लाह की किताब जिसमें कोई शक और शुबा नहीं है मुत्तकीन ये किताब हिदायत हैं मुत्तकी लोगों के लिए मुत्तकी कौन है अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के अवसाफ़ बयान करते हुए फरमाया फ़रमायादी उमिन बिल गैब वो लोग जो ग़ैब पर ईमान रखते हैं वो मुत्तकी और परहेज़गार हैं वो लोग जो मुत्तकी हैं उनका ईमान और अकीदा मजबूत होता है अकीदा तौहीद के हामिलीन होते हैं मनहज सलफ़ के मुताबिक चलने वाले होते हैं अल्लीन अमीन व बिलबीम सलाह और उसके फ़ौर बाद आमाल की बारी कहा कि नमाज की पाबंदी करते हैं नमाज क़ायम करते हैं अमिम्मा हम उनफून और तीसरा काम तीसरा वस जो कुछ हमने उनको अता किया है अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं हजरात अल्लाह के रास्ते में खर्च करना इन्फाक फी सभी बड़ा खैर बरकत वाला अमल है इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इब्तदाई दौर की बात है इब्तदाई दौर की बात है मक्के की मक्की की जिंदगी की बात है जहां पर मुसलमान बेसर सामानी के हालत में थे मजलूम थे मगलूब थे मकहूर थे नादार थे परेशान हाल थे और कोई मालदार नहीं थे बल्कि गरीब थे लाचार थे मजबूर थे मक्की जिंदगी में जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा तौहीद की तालीम दी अच्छे किरदार की तालीम दी साथ सात ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका तो खैरात पर उभारा इनफाक सबीलिल्लाह की तालीम दी है चुनानचे अगर आप सही बुखारी का मताला फरमाएँ सही बुखारी की जो दूसरी हदीस है लम्बी हदीस हैं शाहरूम हरक़ल के सामने अबू सुफियान को बुलाया गया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पूछा गया लंबा वाकया आप जानते हैं उसमें हराकल ने पूछा कि बताओ कि वो नबी किस बात की तालीम देते हैं तो हिराकल के सामने अबू सुफियान की यह गवाही थी कि काना या मोरोना जहां पर अकीद तो तोहैद की बात तो थी ही थी कि वो ये बात इस बात की तालीम देते हैं एक अल्लाह की इबादत करो एक अल्लाह की इबादत करो तमाम मबूदा ने बातिला से अपना रिश्ता तोड़ लो साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं काना या मोरोना हदीस के अल्फाज हैं वफाफी व सदका वो नबी हमें नमाज की तालीम देते हैं सच्चाई की तालीम देते हैं इज्जत वफ़्त की तालीम देते हैं और साथ ही साथ भी सदका सदका करने की भी तालीम देते हैं अल्लाह अकबर ऐसे हालात ने भी कहा कि सदका तो खैरात किया करो हजरात प्यारे नबी वसल्लम का अमली नमूना आप देख लें अमली नमूना आप देख लें आप नबी बनने से पहले भी बड़े सखी थे सदका तो खैरात करने वाले थे नबी बनने के बाद भी आप रहे हैं सही बुखारी की हदीस है प्यारे नबी ताल्लुक से सबक राम बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सखी और दाता इंसान थे और रमज़ान का महीना आता रमज़ान का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रेहिल मुरसला कर रेहिल मुरसला गोया के जैसे आंधी चलती है तेज हवाएं चलती हैं आप उस तरह से हवाओं की तरह दोनों हाथ से सदका तो खैरात किया करते थे सुभान अल्लाह ये तो आपके नबी बनने की बात की बात है नबी बनने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई आप घबराते हुए परेशान हाल अम्मा खदीजा खदी चरदील्ह अन्हा के पास आए और आपने फरमाया मुझे अपनी जान का खदशा हो रहा है इन्नी खसी तो नफसी शायद मेरी जान निकल जाए मैं मर जाऊं शायद कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है मुझे ऐसे लग रहा है अल्लाह अकबर खदीजा देखो बीविया ऐसी बननी चाहिए कहा कि नहीं मेरे सरताज आपको अल्लाह ताला इतना जल्दी जयर नहीं कर सकता है कसम खा कर कहा की कसम अब शिर आप खुश हो जाएं अरबी ग्रामर के हिसाब से एक जुमले में जितना जोर लगाया जा सकता है खदीजा ने उतना जोर लगाया पहले कहा कि अल्लाह की कसम फिर कहा कि आब शिर फिर उसके बाद से के साथ कहा कि अल्लाह ताला आपको जलील रसुवा नहीं करेगा आपको इतना जल्दी अल्लाह ताला बर्बाद नहीं करेगा अपने आप को बर्बादी से बचाना चाहते हो नबी के इन आमाल को अपना लिया करो और खदीजा ने जो आमाल गिनाए, क्या है अमाल क्या हैं जिन कि जिनकी वजह से कहा कि अल्लाह आपको जया नहीं करेगा अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा दुश्मनों से हिफाजत फरमाएगा वबाओं से हिफाजत फरमाएगा बीमारियों से हिफाजत फरमाएगा असरात से हिफाजत फरमाएगा हर तरह की परेशानियों से अल्लाह तला नजात देगा क्या नबी क्या साफ थे हदीस उठाए से बुखार की हदीस है ये भी

देते हो अल्लाह अकबर ये देखो ये अल्लाह के रास्ते में इनफाक सबी लाला नहीं तो और क्या है आप कोई बड़े मालदार नहीं थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बड़ा था याद रखो मेरे भाइयों अगर मालदारी के साथ साथ दिलदारी आ जाए बड़ा फायदा माशरे में हो सकता है ऐसे मालदारों से और अगर मालदार तो है मगर दिलदार नहीं है ऐसे लोगों से माशरे में बड़ा नुकसान होता है नुकसान होता है और अल्लाह का करम है जिनको अल्लाह ने माल नहीं दिया है दौलत नहीं दिया लेकिन दिल दिया है उनके छोटे छोटे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में इतनी बरकतें आती हैं उनके अखलास का इतना फायदा अल्लाह ताला देता है अल्लाह अकबर पहाड़ जैसे अमल बन जाता है माशरे को फायदा होता है हजरात ग्रामीण प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूद हैं हमारे पास मौजूद हैं अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात पर उभारते हुए प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैशुल उसरा जैशुल उसरा यानी गजवा तबूक की बात है सबक राम बहुत ही परेशान हाल थे सख्त गर्मी का जमाना था सख्त गर्मी का जमाना था सबक राम परेशान हाल थे और फसल की कटाई का वक्त था क्योंकि सख्त गर्मी में खजूर पकते हैं हाँ ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया वक्त के सुपर पावर के साथ लड़ना है चलो निकलना है आजमाइश एक तो फसल तैयार है कब कटे बोल नहीं सकते हैं उसके लिए हमें रहना चाहिए और किसान लोग जो होते हैं जब फसल की कटाई का वक्त आता उनके पास, पास पैसा नहीं होता है एक तो पैसा नहीं है हाथ में लिक्विडिटी नहीं है हाथ में फसल की कटाई का वक्त है फसल तैयार है इंतजार में बैठे हैं ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया वक्त के सुपर पावर के साथ लड़ना है इतना ही नहीं अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात करो अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात करो अल्लाह अकबर जो जितना हो सकता लेकर हाजिर हुई लेकर हाजिर हुई ऐसे यही मौका था यही मौका था कि हजरत उमर ने सोचा मैं तो अब बकर से आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अब तो माल है अबू बकर के पास कम है फसल की कटाई का वक्त है वही अबू बकर और उमर का वाकया है अल्लाह अकबर उमर ने आधा माल लाकर अल्लाह के रसूल की खदमत में रख दिया कहा के उमर क्या लाए हो कहा के सारे घर के आधा सामान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया हूं अबू बकर से पूछा गया अबो बकर तुम क्या लाए हो कहा कि अल्लाह के के रसूल घर में झाड़ू मार आपके आप के पास लेकर आया हूं अल्लाह अकबर उमर ने कहा आज के बाद मैंने सोच लिया अबू बकर से मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं अल्लाह अकबर अजमायन ये जज्बा था मेरे भाइयों ये जज्बा था मेरे भाइयों इसी तरह से उस मौके पर एक सहाबी एक सहाबी चंद खजूर लेकर आते हैं चंद खजूर लेकर आते हैं या चंद छोटे बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम लेकर आते हैं अल्लाह के रसूल ने उनके इखलास का ये इखलास का ये आपने श, न, आपने ये कदरी की आपने इतनी कदरदानी फरमाई कि आपने उनके सामान को सबसे ऊपर रखा सबके ऊपर रखा लोग लाते गए ढेर सारे सामान जमा हुआ खजूर का एक तोदा जमा हुआ लेकिन वो इखलास के साथ लाने वाला साहबी के आपने छोटा सा सामान छोटा सा खैरा छोटा सा सदकार, छोटी सी खैरात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ऊपर रखा और आपने तारीफ फरमाई याद रखो मेरे भाइयों हर आदमी अपने अपने हिसाब से दिया करें कोई अपने आप को आखिर ना समझे अल्लाह के पास नीयत देखी जाती है नीयत देखी जाती है और ये भी आप याद रखें आज हालात बहुत सबके लिए वही उसरा वाली बात है तंगी वाली बात है तंगी वाली बात है हर एक के लिए परेशानी का वक्त है परेशानी का वक्त है कोरोना काल से अभी अभी निकले फिर दोबारा अल्लाह हिफाजत नहीं आगे क्या हो और पिछले हालातों में तो सबकी कमर तोड़ के रख दिया है आप जैश उसरा को याद करो जैश उसरा को याद करो और गुदिश्ता जुमा भी आपने दिया है मुझे पता है लेकिन आप जैश उसरा को याद करो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे वाक़ात आए मुश्किल में परेशानियों में ये लोग आगे बढ़ के सदका तो खैरत किए हैं और उसी के मुनासिबत से मैंने आपके सामने जहाँ सुरा बकार में मुतकी लोगों के उस बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और सुरा अल इमरान में अल्लाह ने फरमाया कैसे हालातों में खर्च करते हैं किन हालतों में खर्च करते हैं अल्लाह ने फरमाया, फरमायाब आगे बढ़ो लब को आगे बढ़ के अल्लाह की जन्नत और मकफिरत को हासिल कर लो अल्लाह की जन्नत और मकफिरत को हासिल कर लो अल्लाह की जन्नत और मकफिरत कैसे हासिल कर सकते हो कि वो जन्नत जन्नत इन अर्दोह समातल अर्द। वो जन्नत जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान और जमीन बराबर है इतनी जगह अल्लाह आपको इनायत फरमाएगा उस जन्नत की तरफ आगे बढ़ो लिल मुतकी मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये जन्नत तैयार कर रखी है कौन से मुतकी फरमायादी फिकोना दर्रा वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं खुशहाली में भी बदहाली में भी खुशहाली में भी तंगहाली में भी तंगी में भी परेशानी में भी और अच्छी हालतों में भी हर वक्त खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में ऐसे लोगों के लिए वो जन्नत तैयार हैं अल्लाह अकबर जन्नत तैयार हैं के से आगे बढ़ो प्यारा अल्लाह की आग से बच जाओ जहन्नम की आग से बच जाओ गरचे खजूर का एक टुकड़ा अल्लाह के रास्ते में देकर अल्लाह के रास्ते में एक टुकड़ा देकर भी अल्लाह के आग से बच जाओ कयामत के मैदान में याद रखो मेरे भाई हो जहां पर अर्श के साया पाने वाले या अल्लाह का साया पाने वाले लोग होंगे उनमें से आप जानते हैं कि वो हैं जिसने दाएं हाथ से खर्चा किया बाएं हाथ को पता भी नहीं चला हा? ने ही इसको जिक्र है के वो दिल्ली अपने सदका और खैरात के सा में होगा उसका सदका और खैरात उसके लिए साया बन के आएगा कल क्यामत के मैदान में अल्लाह अकबर जहां साये के लिए तरस जाए इंसान सूरज सर से करीब आ जाए साए के लिए तरस जाए पीने के लिए तड़प जाए ऐसे वक्त में आपका सदका आएगा आपको साया करेगा अल्लाह अकबर ये उख़रा भी फायदा है दुनिया के ताल्लुक से भी अल्लाह ने फरमाया सनालमूफ अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात करने से बुरी मौत से अल्लाह ताला बचा लेता है अल्लाह का गैसो गज़ गजब कम होता है बुरी मौत से इंसान बच जाता है बीमारियों से बच जाता है नबी ने फरमाया नबी ने फरमाया कि देखो दाओ मरदा कुंभ सदका दाओ मरदा कुंभ सदका तुम लोग अपने मरीजों का इलाज करो सदका तो खैरात के जरिए से अपने मरीजों का इलाज किया करो सदका तो खैरात से अल्लाह अकबर ला इलाज मर्ज अल्लाह के रास्ते में खैरात किए शिफा याबी हो गई आपको कितने वाक आप बताऊं बहुत बड़े मुहदिस अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास एक आदमी आया आकर कहा कि आए अब्दुल्ला बिन मुबारक मेरे घुटने में एक चोट है एक जख्म है बहुत इलाज किया हूं सही नहीं हो रहा है पीप खून पानी उसमें से रिश्ता है अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा एक काम करो आखिरी एक इलाज अपना कर देखो नबी ने फरमाया दाओ मरदा कुंभिस सदका सदके के, के जरिए से अपने बीमारों का इलाज करो जाओ ऐसी जगह जहां पर पानी की जरूरत है जहां पर पानी की जरूरत है ऐसी जगह पर कुआं खोद दो कुआं खोद दो वो आदमी गया और बहुत ही इलाके में एक कुएं का इंतजाम कर दिया या कुएं से पानी निकलना शुरू हुआ लोगों को पानी पिलाना शुरू किया उसके घुटने का पानी का रिसना बंद हो गया अल्लाह अकबर हाँ इलाज देखो और मैं आपको दूर नहीं जाता हूँ पिछले अभी दो चार मतलब समझ लीजिए कि एक आठ दस साल पहले की बात है कोत का एक बहुत बड़ा मालदार और कुत से एक अरबी मचल निकलता है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है और याद रखो उसमें जिक्र किया गया कुएत का एक बहुत बड़ा मालदार यानी मिलियन, ट्रिलियन के मालिक था वो बहुत बड़ा मालदार था बिजनेसमैन था नाम है अब्दुल्ला मरजूकी की नाम है अब्दुल्ला मरजूकी की उसके बाद अचानक बीमार हुए और डॉक्टरों ने बताया आपको कैंसर है ऐसा कैंसर जिसका इलाज नहीं हो सकता आप दो चार महीनों के मेहमान हैं उसके बाद उन्होंने उलामा इक्राम से डिस्कस किया उसके बाद उनको मशवरा दिया गया कि अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरा करो उन्होंने अपना सारा माल उसके लिए खलास चाहिए और दिल चाहिए हाँ इखलास चाहिए चाहिए, चाहिए, दिल चाहिए, अल्लाह पर भरोसा चाहिए, जहां पर दुनिया के सारे इलाज खत्म हो जाते हैं, सारा इलाज मेडिकल साइंस फेल हो जाते हैं जहाँ पर दुनिया के सारे वसायल असबाब खत्म हो जाते हैं वहां पर अल्लाह का कलाम काम करता है वहां पर सदका तो खैरात काम करना शुरू कर देते हैं उन्होंने क्या किया अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदका करके उमरे के लिए निकल गए उमरे के लिए निकल गए जमजम का पानी पीते रहे। उसके बाद वापस आए वापस आने के बाद उसके बाद दोबारा टेस्ट किए डॉक्टर लोग हैरान परेशान है शजदर है कि आपका वो रिपोर्ट आपकी वो रिपोर्ट कहाँ गई है आपके जिसम में कैंसर का कोई जर्रा नहीं है अल्लाह हु अकबर सुभान अल्लाह बिहमदही अदद खल्क़ही और इजा नफ्सी और जने तअर्शी अल्लाह की मर्ज़ी और हमारे ईमान तवक्कुल पर ये मुनहसिर होता है फजरात अल्लाह के रास्ते में सटका तो खैरात का दुनिया के एक फायदा ये भी होता है ये भी होता है आज फसलें तबाह हैं फसलें तबाह हैं महंगाई बढ़ रही है और बारिश हो रही है मगर बारिश से फायदा नहीं हो रहा है अगर आपको फायदा चाहिए सही मुस्लिम की एक हदीस सुन ले सही मुस्लिम की हदीस हैं बन इसराइल में दो आदमी का वाकया है कि एक आदमी अपने बाग में काम कर रहा था अपने खेत में बाग में काम कर रहा था बारिश नहीं बड़ी तंगी थी परेशानी थी बारिश के लिए तरस रहे थे इतने में बादल से गैबी आवाज आ रही थी हदीस के अल्फाज है सही मुस्लिम की रिवायत है इसकी हदी फुलान इसकी हदी कत फलान फुला आदमी के बाग को सैराब करो आवाज किसमें से आ रही थी बादलों में से बादलों से आवाज आ रही थी गैबी आवाज आ रही थी आदमी का नाम लेकर इसकी हदी कता फुलान फुला आदमी के बाग में पानी बरसाओ उसको सैराब करो यह आदमी जो सुन रहा था ना बड़ा परेशान हुआ क्या मज रहा है फुला आदमी का नाम लेके कहा जा रहा है उसने वो बादल का पीछा किया बादल जहां गया और बारिश बरसाया जिसके बाग में वहां गया जाने के बाद बाग के खेत के मालिक को पकड़ा कहा के भाई तुम क्या ऐसा अमल करते हो तुम्हारा नाम मैंने बादल में सुना है अल्लाह अकबर बादल में सुना है अच्छा आदमी बहुत खुश हुई अल्लाह का शुक्रिया अदा किए कि देखो मैं अपनी फसल में से तीन हिस्सा करता हूँ और एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकाल देता हूँ कहा कि यही वो चीज़ है यही वो का तो खैरत है यही अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है जिसकी वजह से गायब से कहीं बारिश नहीं है और तुम्हारे बाग में तुम्हारे खेत खलियान में अल्लाह की तरफ से बरकतें होती है अल्लाह अकबर हजरात याद रखो दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात किया करो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह पर फरमाया सुरा में भी अल्लाह ने आखिरी रुको में फरमाया जिनको नफ्स की बकीली से बचा लिया जाए वही लोग कामयाब हैं दुनिया में कामयाब होना चाहते हो बखीली को छोड़ दो आखरत में कामयाब होना चाहते हो बखीली को छोड़ दो वरना नबी ने फरमाया कि मुना जो बकील है बशरबालफ बखील बकील के माल को खुशखबरी सुना दो लिहादिन या तो ये माल वारिस को मिलेगा आपस में लड़ेंगे या किसी हादसे के शिकार होकर बर्बाद होगा क्यों फरिश्तों की बदुुआ फरिश्तों की दुआ और बदुुआ सुन ले सही बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायत है ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया इदा असवा हर सुबह ये मामला होता है हर सुबह सवेरे दो फरिश्ते नाजिल होते हैं और अल्लाह की तरफ से वो दुआ करते हैं अल्लाह उम आती मुनफिकन खलफ और एक दूसरा फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उमा आती मुम्फिकन तलफा अल्लाह अल्लाह अल्ला के रास्ते में खर्च करने वालों को बेहतरीन बदला दे बेहतरीन बदला दे फरिश्तों की दुआ फरिश्तों की दुआ बेहतरीन बदला मिलता है और दूसरे फरिश्ते बद दुआ देते हैं तलाफा तलफाए अल्लाह रोकने वालों को बखीली करने वालों के माल को बर्बाद कर दे हलाक कर दे या तो हादिसे में शिकार होगा या ऐसे वैसे नाजायज तरीके से उसका माल चला जाएगा या बाद के वारसीन ना हलफ ना हल आपस में लड़के बर्बाद करेंगे जाय करेंगे गुनाहों में खर्च करेंगे और आपको जाकर अपनी कबर में जवाब देना पड़ेगा आपको जाकर अपनी कबर में जवाब देना पड़ेगा इसलिए आप अपनी कबर की तैयारी खुद करके जाओ खुद करके जाओ कि अल्लाह के पास आपको यह सदका खैरत काम आए कबर में भी सही सिलसिला सैया की रिवायत है कबर में भी इंसान का सदका आएगा इंसान का सदका आके अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का यह अमल आएगा और कबर में भी उसको आराम पहुंचाएगा दुनिया में हो आखरत में हो हर एतबार से खैर बरकत वाला अमल है और ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है

सौ के बराबर है दस गुना तो अल्लाह ताला देता ही देता है सौ गुना भी दे सकता है एक दाने से कहा के देखो एक दाने से दस मियाँ तो आप बस सौ और उस सौ दाने में एक दाने में कितने कितनेम्पल हैं? उतने कॉम्पल में एक एक कॉम्पल में सौ सौ दाने यानी गोया के कम से कम अल्लाह ताला दस गुना देता है और सौ उससे बढ़ाकर सात सौ और यानी सात सौ गुना बढ़ के आपको मिलेगा कौन से कौन से इन्वेस्टमेंट में है बताइए सात सौ गुना मिलेगा और अल्लाह ताला कितना देगा अल्लाह के पास कमी नहीं है अल्लाह से आलिम अल्लाह ताला उसत करने वाला और अल्लाह ताला जानता है हजरत गिरी सदका तो खैरा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना बड़ा खैर बरकत वाला अमल है मुतियों का वफ्फ़ है ये मोमिनों का तुर्रा इम्तियाज़ हैं बखीली अच्छी चीज़ नहीं है बखील इंसान कामयाब नहीं हो सकता है क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया कि वह इंसान जो बखीली करता है वो कामयाब नहीं हो सकता है बकीलों की बड़ी मजम्मत की गई है लिहाजा हमें और आपको चाहिए हर हालत में हर हालत में फिसर्रा वर हर हालत में अपने अपनी इस्ता के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो हजरात अल्लाह के रास्ते में जो खर्चा है आम सदका खैरा दी हैं और वाजिबी सदका खैरा दी हैं कुछ हैं जो सिर्फ गरीब और मस्किन के लिए खास हैं और इन सदक व खैरात कितने फायदे हैं मेरे भाइयों अल्लाह अकबर एक आदमी रात भर तहजद दिन भर रोजा और जिंदगी भर अल्लाह के रास्ते में जिहाद के बराबर सवाब हासिल कर सकता है यह बहुत नामुमकिन है कि एक आदमी जिंदगी भर ताज पढ़े रात भर और दिन भर रोजा रखें और जिंदगी भर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें लेकिन नबी ने फरमाया इमाम बुखारी ने अला अदबुलमुफरत भी इसको जिक्र किया है सही सनत के साथ कहा अल्लाह के रास्ते में गरीबों मिसकीनों लादारों जरूरतमंदों पर खर्च करने वाले कस्कल काइम इम बिल्लाइल रात भर इबादत करने वालों के बराबर वसाइम बिल नहार रात में इबादत करने के रोजा रखने के बराबर अविल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के बराबर सवाब है अल्लाह अकबर और ये सदके की जगह अगर, अगर अल्लाह का घर हो ये सदके की जगह अगर अल्लाह का घर हो अल्लाह के घर की तामीर की बात हो अल्लाह के घर की तामीर की बात हो जमीन की खरीदारी की बात हो अल्लाह अकबर क्या बात है क्या बात है याद रखो अल्लाह का घर है इस्लाम का यह ज़ाबिता है कि वो जगह जिसको अल्लाह के घर के लिए मस्जिद के लिए खरीद लिया गया कयामत तक के लिए वो अल्लाह की जगह के लिए खास है कयामत तक वहां जितनी नमाज़ें, रोसा और सदकत खैरा दर्स तदरीस और बयानात नेकी का काम जो भी होगा आप सब के सब उसमें शामिल हैं आपके लिए बेस बेहतरीन जारिया हैं कि मरने के बाद इंसान को ख्याल आता है रिश्तेदारों को ख्याल आता पता नहीं करते या नहीं करते आपके लिए मौका है अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात करने के लिए अल्लाह का घर की जमीन की खरीदारी का मामला है एक बहुत ही मुस्ताहिक तरीन इलाका पूना अब जानते हैं, के का अड्डा है फिरका परस्तों का और दीगर मसाइब का अड्डा है वो ऐसी जगह पुणे में फजीलतुल अबू अबूज जमीर तवल्ला, जो एक नमूना सलफ है और नौजवानों के लिए एक बेहतरीन नमूना है उलामा की निगरानी में रहकर वो आलिम बने हैं उलामा की निगरानी में रहकर शुत्रे में बहार नहीं तो याद रखो उनके उनकी टीम गोया कि उनकी टीम और उनके लिए एक बेहतरीन जगह यहां पर फराम हो सकती है शेख की निगरानी में ही शेख की टीम की निगरानी में ही एक एरोडा नामी जगह है पुना में वहां एक थर्टी फोर्टी जगह ली गई है बारह सौ स्क्वायर फीट की जगह इक्तीस लाख में थर्टी वन लैक्स तीस पर एक लाख में ली गई है सिर्फ तीन लाख वहां के लोग बयाना दिए हैं तीन लाख बाकी बाकी रकम बाकी रकम जनवरी तक देना है जनवरी तक वाजिबुल अदा है एक महीना है सिर्फ वाजिबुल अदा है बहुत मुस्तक हैं बहुत सारे मशाइक ने इसलिए बहुत दरख्वास्त की है फ़ीरतुल शेख अब्दुल हसीब उम्री मदनी हाफीज और दीगर ऊलमा ने बहुत गुजारिश किए हैं जब क्या कितनी ज़रूरत है आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं हमारी मस्जिद का माहाना ख़र्चा दो लाख के करीब करीब है दो लाख के करीब करीब है और आप जानते हैं कि जुमा का कलेक्शन एवरेज कितना होता है तीस पैंतीस हज़ार एवरेज है कभी चालीस पैंतालीस कभी जो है तीस से नीचे पच्चीस बाईस भी हो जाता है तीस पैतीस एवरेज कितना हुआ एक लाख बीस तीस हजार होता है बाकी जो फीस वगैरह थोड़ा बहुत एक फिफ्टी परसेंट फीस कलेक्शन होते हैं कोई जो है पर्सनल कुछ देते हैं वहां के वहां बराबर होता किसी महीना कम भी होता किसी महीना एकदम बराबर से होता है जिम्मेदारान परेशान रहते हैं कि कैसे मैनेज करें लेकिन अल्लाह का करम अल्लाह चला रहा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी दिल खोल के देते हैं ऐसे में अगर एक जुमा भी बाहर देते हैं नहीं ये लोग तिलमिला जाते हैं तड़ 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 जाते हैं लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने लगातार दो जुमा दिए आप देख रहे हैं गुजिशा जुमा मस्जिद सलाफिया को क्योंकि वो भी बहुत अहम तरीन इलाका इलेक्ट्रॉनिक सिटी में नहीं है बहुत मुस्तक है और ये भी इलाका बहुत मुस्तक है इसलिए कुर्बानी देकर चलो अल्लाह है कुछ आगे इंतज़ाम हो जाएगा मशाइ की भी थी तमाम तरह के तोसियात भी हैं जमात के साथ ही जुड़े हुए हैं इसलिए इनको फिर मौका दिया गया और ये भी हमने उनसे कहा कि भाई गुजश्ता जुमा हुआ है फिर आप ले लेंगे तो हो सकता कि थोड़ा असर पड़ जाए अल्लाह मालिक अल्लाह बड़ा है देने वाला लेकिन कहा कि नहीं बहुत सख्त ज़रूरत है मेहरबानी फरमा कर यही जुमा दे दीजिए तो देखिए कितनी ज़रूरत है हमने कहा कि आखिरी जुमा ले लीजिए थोड़ा वकफ़ा मिल जाएगा लोगों को भी थोड़ा सा वकफा मिलेगा इतनी बात बताने का मकसद यह है कि आप जरूरत को समझें और आपने गुज्तर जुमा भी दिल खोल के दिया अल्लाह आपको जसाए खैर अता फरमाएं अल्लाह कबूल करें खैर और बरकत अता फरमाए और दुनिया और आखरत का तोशा बनाए ये जुमा भी आप दिल खोल के दें या जिनकी सैलरी आना है कुछ आगे पाएंगे आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लिखवा दें बात करें ऑनलाइन का भी इंतजाम है और याद रखिए एक स्क्वायर फीट 2600 एक स्क्वायर फीट 2600 और कितने स्क्वायर फीट हैं 1200 मेरे ख्याल से इस मस्जिद में इस मस्जिद में 1200 से ज्यादा लोग हैं 1200 कम से कम खवातीन और मर्द मिलाकर 2000 के करीब लोग हैं उनमें से कुछ निकाल भी दी जाए अगर एक-एक बंदा दो हजार सौ एक एक स्क्वायर फीट ले लें मस्जिद खलीलुल्लाह से ही इंतजाम हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको जैसा खैरता फरमाए बड़ा दिखता है सब मिलकर उठा ले तो बहुत मामूली है एक मुसल्ला को लेना चाहते हैं पंद्रह हजार सौ पंद्रह हजार छह सौ एक मुसल्ला है इस हिसाब से अल्लाह ने जिनको सद दी है मुसल्ला ले लें मुसल्ला ले लें, स्क्वायर फीट ले लें ले, और ये इंतजाम करवा दें तो अल्लाह ताला के यहां पर क्या बेहतरीन ये नमूना है याद रखो मेरे भाइयों दो बातें मैं आपके सामने मस्जिद के ताल्लुक से रखकर बात खत्म कर देता हूं मस्जिद के ताल्लुक से अल्लाह तबरक तबरत ने शुरत आयतर तो के बाद अल्लाह नूर उस समावत वाल अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है यानी आसमान और जमीन को मुनावर करने वाला है मसालो नूर ही का मिशकात अल्लाह के नूर की मिसाल दिए और आयतुन नूर के बाद अल्लाह ताला ने मस्जिदों का जिक्र किया नूर में नूर के बाद कहा फी उन घरों अल्लाह के घरों के बारे में है अल्लाह के घरों का नाम ऊंचा होना चाहिए क्या मतलब है आयतुल नूर में सूरत नूर में अल्लाह ने फरमाया और फौरन अल्लाह के घरों का तस्करा है यानी मस्जिदों का नूर का सेंटर बनाया करो यहाँ से तोहेद का नूर फैले यहाँ से अकीदे का नूर फैले यहाँ से दरसो तदरीस का नूर फैले यहाँ से गरीबों पे ताउन का नूर फैले यहाँ पर मनहज का नूर फैले यहाँ से बेहतरीन इबादतों का नूर फैलना चाहिए नूर का मरकज बनाया करो और नूर के मरकज के जरिए अल्लाह के घरों का नाम ऊंचा किया करो यानी नूर यहाँ से खिदमात करके एक कम्युनिटी सेंटर बनाए शेख अबूज जमीर के दुरूस आप जानते हैं कि उनके नूर से अल्लाह अल्लाह अकबर काफी फायदा हो रहा है वो एक मरकज एक सेंटर बनेगा शेख के लिए और आपके लिए बेहतरीन सवाबा जा है लिहाजा आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप में से हर आदमी ये कहें मुझसे क्या आप अल्लाह के अल्लाह के पड़ोसी बनना चाहोगे के पड़ोसी कौन कौन बनना चाहेंगे दिल में आप जो है दिल में इरादा कर लें कौन कौन बनना चाहेंगे हाथ खड़ा करें अल्लाह के पड़ोसी कौन कौन बनेंगे भाई माशा सब अल्लाह के पड़ोसी बनेंगे अल्लाह सब को बनाए भाई अल्लाह के पड़ोसी के लिए हदीस सुन ले सही हदीस है कल क्यामत का मैदान होगा अल्लाह ताला ऐलान करेगा फरिश्तो आईना जीरानी मेरे पड़ोस कहा है ढूंढो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरे भी कोई पड़ोसी है कहा मेरे पड़ोसी हैं कौन तेरे पड़ोसी कहेंगे आबाद करने वाले मस्जिदों के लिए तो करने वाले मस्जिदों को देने वाले मेरे पड़ोसी हैं उनको ढूंढ के लाओ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के पड़ोसी बनोगे अल्लाह के लिए जो घर बनाता है अब के भाई मैं तो बहुत उतना उतनी उस उसात मेरे पास सहूलत नहीं है आपको और एक हदीस सुना देता हूं अल्लाह के रसूल ने फरमाया फरमायादात यह जुमला आपने नहीं सुना होगा ये शुरू के आपने बारह सुना होगा कि अल्लाह के लिए जो घर बनाता है अल्लाह ताला उसके बराबर जन्नत में महल बना देता है और एक रिवायत में है का यानी कबूतर के घोंसले के बराबर क्या मतलब है एक आधी ईंट आधी ईंट यानी भी अल्लाह के रास्ते में देता है और अगर एक ईट चलो अगर बड़ी जो, बड़ी जो ईट है उसको मान लेते सौ दो सौ में तो एक सौ या पचास रुपया अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के घर बनाने के लिए देता है अल्लाह ने कहा उसके बदले में अल्लाह ताला जन्नत में महल बना देता है अल्लाह अकबर बेहतरीन जगह है अल्लाह का घर और अल्लाह के घर जहां पर तैयार हो इस्लाम ने कहा कि वहां से नई तारीख शुरू होती है बिदातों के गढ़ हैं, फिर परस्तों के गढ़ हैं, गैरों के गढ़ हैं, पूना यहीं पर एक नूर का मरकज आए तो कहा याद रखो वहां से नई तारीख रकम होगी एक दिन खलीलुल्लाह छोटी सी खलीलुल्लाह थी हाँ जिस दिन खलील की बुनियाद रखी गई आज देखो यहाँ एक नई तारीख रकम हो चुकी है सारी रियासत में अलहदुल्ला के यहाँ से नूर का मरकज और नूर का पैगाम फैल रहा है अल्लाह की तोफीक अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का करम है यही से याद रखो मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल हिजरत करके आए और आपने कुबा में पहली मस्जिद बनाई और उसके ताल्लुक से अल्लाह ने सुरा शरा में फरमाया ये इस्लाम का पहला दिन है मस्जिद जिस दिन बनाई गई कहा कि यह पहला दिन है सुरो तोबा में अल्लाह ने फरमाया मस्जिद पहले दिन जिस मस्जिद की बुनियाद रखी गई अरे भाई इससे पहले तेरा साल गुजार चुके हैं फिर भी मस्जिद की बुनियाद रखी गई ये पहला तोहिद का मरकज नूर का मरकज अगर मस्जिद किसी इलाके में आ जाए तो याद रखो वहां से एक नई तारीख पहला पहली तारीख और पहला दिन शुरू होता है वहां पर भी इंशाला होगा और आप आप सब उसमें शामिल होंगे आप सब कयामत तक उसमें शामिल होंगे लिहाजा आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात करते जाएं और अल्लाह के घर के लिए खर्चा करते जाए अल्लाह के घर का सपोर्ट करेंगे अल्लाह आपका सपोर्ट करेगा हजरत उस्मान ने मस्जिद मस्जिदी को बहुत अच्छा बनाया लोगों ने पूछा तो कहा कि देखो अल्लाह ने कहा अल्लाह के रसुल ने कहा अल्लाह के घर जो जिससे बनाएगा अल्लाह के रास्ते में अल्लाह तला में मिसला हो ऐसे ही बनाएगा अल्लाह ने मुझे हैसियत दी है मैं अल्लाह के रास्ते में मस्जिद नबी को मैं अपने खर्चे पे मुसलमानों के पैसे से नहीं अपने खर्चे में कर दिया है अल्लाह का शुक्र ऐसा है कि हमारे यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं इस महफिल में वो चाहे तो इकतीस लाख उनके लिए बड़ी बात नहीं है बहुत मामूली बात है उनके लिए इकतीस लाख का बोझ वो अकेला उठा सकते हैं मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे माँ और बहनों से भी भाइयों से और हर एक से जो जैसे जितना हो सकता है आप देते जाएं और आइंदा हमारी इस मस्जिद का भी ख्याल रखें क्योंकि हमने दो जुमा दे दिया है हाँ दो जुमा दे दिया है आइंदा इसका भी ख्याल रखते जाएं और इस मस्जिद का आप एक तो जमाती अतबार से ओलामा हैं शिकबुज़मी हैं फितने की गढ़ हैं और फिर परस्तों का गढ़ है कई एबार से बहुत मुस्तक तरीन इलाक़ा है कम वक्त है इसलिए आपसे मैं बारहा गुजारिश करता हूं जो जैसे हो सकता है कोई खाली हाथ ना चाहें कुछ ना कुछ देते जाएँ अल्लाह ताला आपके दिए हुई माल को कबूल फरमाए बाकी अमाल में बरकत दे सेहत से आफियत के साथ रखे आमीन व आखरत अलहमदिल्ला रबालमीन